नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TET PET PRT 2024 वाला जो 7 और 8 दिसंबर को होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन एस्टेट के अलावा अगर आप HSC के जो अन्य एग्जाम है, चाहे इसमें आपका CT वाला भी एग्जाम है, इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले जो है हरियाणा GK से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक पगड़ी है, खंडवा, पाग, साफा या ये सभी। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ये सभी के सभी जो पगड़ी के उदाहरण हैं, जिसमें खंडवा, पाग, साफा ये सभी के सभी आ जाते हैं। और पुरुषों की वेशभूषा है जिसमें पगड़ी, साफा, गुलीबंद, मुरेठा और कुर्ता पजामा जो होता है, मिर्जई, कमरी, अंगरखा, खेस, कमर का दुपट्टा, कंबल, दोहर, खंडवा, धोती, पैर की जूती, तो ये सारे के सारे जो है पुरुषों के पहनावे हैं। इसके बाद है हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली जो टोपी है इसको क्या कहा जाता है, टोरा, पगड़, मुरेठा या खंडवा। तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहा जाएगा मुरेठा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, अंगरखा, कुर्ता, कमरी या कमीज के नाम से। तो हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता आमतौर पर, और इसको जो नाम दिया गया है तो ये कुर्ता है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है राज्य में किस वस्त्र को रुई की कमरी भी कहा जाता है, मुरेठा, खेस, मिर्जई या इन सभी को। तो किस वस्त्र को रुई की कमरी भी कहा जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है तो कौन सी होती है, मिर्जई, रजई कह देते हैं लोग। इसके बाद है हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में उड़ी जाती है उसे कहा जाता है, टोपी, कमरी, खेस या लोई। तो मोटे सूत की मोटी चादर जो सर्दियों में उड़ी जाती है, जैसे अब आगे या दिसंबर वाला महीना आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी वाला है, तो खेस जो है यहाँ पर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र खंडवा, ये किस वस्त्र का एक जो है प्रकार है। तो खंडवा किस वस्त्र का एक प्रकार है, पगड़ी, गुलीबंद, साफा या मुरेठा, खंडवा। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा, तो ये किसका उदाहरण है, पगड़ी का उदाहरण है। और पगड़ी जो है इसको हरियाणवी भाषा में पागड़ी और साफा ये भी कह देते हैं, जिसे मारवाड़ी तरीके से सिर पर लपेटा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में राजपूती ढंग की जो बनी हुई पगड़ी है इसको क्या कहा जाता है, साफा, पाग, टोपी या दोहरा। तो राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहा जाता है इसको, तो इसको पाग कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है राज्य में पैरों की जूती ये कहाँ बनाई जाती है, रोहतक, जींद, कलानौर या इन सभी स्थानों पर। तो पैरों की जो जूती है तो इसके लिए सभी स्थान जाने जाते हैं, जिसमें रोहतक, जींद और कलानौर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इनमें से कौन सी वस्त्र राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं, गुमटी, पीलिया, श्यामा या ये सभी। तो महिलाओं के द्वारा धारण किए जाते हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए तो एक साथ सारे आ जाते हैं, गुमटी, पीलिया, श्यामा। तो कौन कौन से जो वेशभूषा है वस्त्र ये धारण करते हैं, जिसमें कोटी, कमरी, कमीज, आंगी, समीज, जम्फर, ओढ़ना, चूंदड़ी, गुमटी, छ्यामा, डिमाच, सौपड़ी, दुकानिया, लहरिया, मोड़िया, बोल, कंग, फुलकारी, बोड़ा, दमन, लह, पीलिया और गुलड़ा की लह, खारा, चांतारा, घाघरा। तो एक सारे सारे जो हैं स्त्री द्वारा धारण किए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है पीले पाट का कड़ा ओढ़ना ये क्या कहलाता है, सौपली, जम्फर, छ्यामा या कैरी। तो पीले पाट का कड़ा ओढ़ना, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है तो क्या कहा जाता है इसको, तो छ्यामा जो है यहाँ पर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विवाह में चढ़ाया जाने वाली जो रेशमी ओढ़ना है इसको डिमाच, मोड़ या लहरी या फुलकारी क्या कहा जाता है। तो विवाह में चढ़ाया जाने वाला जो रेशमी ओढ़ना होता है तो क्या कहा जाता है इसको, डिमाच इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा
गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी को क्या कहा जाता है? छमा, ओढ़ना, ओंगी या सोपली? तो गहरे लाल रंग की और किनारे पर छपी ओढ़नी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा सोपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ा ओढ़ना, तो खद्दर का गहरे लाल रंग का और पीले धागों से कढ़ा ओढ़ना उसे क्या कहा जाता है? दुकान या सोपली, छमा या गुमटी? तो क्या कहा जाता है इसको? और इसको जो है दुकानिया कहा जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है फुलकारी। अब ये यहाँ पर उदाहरण है, हरियाणा के गांव में बड़े भाग मृत भांड की कला है, भवनों पर फूलों की एक कला है, यह शॉल बनाने की कला है फुलकारी, और फुलकारी जो है यहाँ पर एक शॉल बनाने की कला है। इसमें जो है फुलकारी की कढ़ाई वाली ओढ़नी को फुलकारी कहा जाता है, जिसमें जो सघन कढ़ाई होती है, मतलब गहरी कढ़ाई होती है इसमें, तो शॉल बनाने की कला है। इसके बाद है, वस्त्र राज्य में बच्चों के द्वारा पहने जाते हैं, तो ये फरगल, जुगला दोनों या कोई सा भी नहीं? तो फरगल और जुगला ये दोनों जो है यहाँ पर बच्चों के द्वारा धारण किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी वाला इसमें हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, छोटे बच्चे का जो पहनावा है उसको सोड़िया, जुगला, रिजाइये बोट क्या कहा जाएगा? तो जुगला उसको कहा जाता है, और झगला भी कह देते हैं इसका नाम, ये ओ की मात्रा अगर हटा दें तो झगला भी इसका नाम है। इसके बाद है, राज्य में पायल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पाजेब, शकुंतला, रमझोर या इन सभी के नाम से? तो पायल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, तो इस सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और बात करें यहाँ पर, जैसे पैरों में धारण करने वाले आभूषण, तो जिसमें पायल आ जाती है, टणका आ जाता है, आंवला, कड़ी, गालिया, झांझर, नेवरी, पगपान, पाली, बिछिया, छैल, अंगूठा, हिरनामी, तोड़ा, तो ये सारे के सारे धारण किए जाते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, राज्य की महिला द्वारा पैरों में पहने जाने वाला आंवला आभूषण किस धातु का बना होता है? सोने, चांदी दोनों का या किसी का भी नहीं? तो क्या है यहाँ पर, ये पैरों में पहने जाने वाला आंवला आभूषण ये धातु का बना होता है, तो धातु जो है कौन सी है? तो ये दोनों होते हैं, जिसमें सोना और चांदी, ये दोनों इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कौन सा आभूषण राज्य की महिलाओं के द्वारा पैरों में पहने जाता है? नेवरी, पाली, पगपान या ये सभी? तो यहाँ पर क्या है, आभूषण पैरों में धारण किया जाता है, और जो ये ऑप्शन डी में आया है, मतलब ये नेवरी, पाली, पगपान, तो ये सारे के सारे जो है पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। पायल, टणका, जैसे कि हमने बात की थी, आंवला, कड़ी, गालिया, झांझर, नेवरी, पगपान, पाली, बिछिया, छैलकड़े, अंगूठा, और ये हिरनामी, तोड़ा, ये सारे के सारे जो है धारण किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, महिलाओं के द्वारा धारण किया जाने वाला वल्याकार आभूषण है, दस्तबंद, नेवरी, पोंची या टार? तो वल्याकार आभूषण है यहाँ पर, और कौन सा है, तो ये नेवरी होता है, जो चांदी से बना होता है, और इसे जो स्त्रियाँ हैं ये घुटने के नीचे और झांझर के ऊपर पहनती हैं, और इस आभूषण में घुंघरू लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, बिछवे नामक आभूषण स्त्रियाँ किस अंग में पहनती है? बिछवा, हाथ, कमर, पैर की उंगलियाँ या नाक में? बिछवा, तो इसमें जो है ऑप्शन बनेगा हमारा बी वाला, तो पैर की जो उंगलियाँ होती है इसमें इनको धारण किया जाता है, और जो जिसकी शादी हो जाती है तो वे ही इसको धारण करती है, अन्य स्त्री इसको धारण नहीं करती है, तो मतलब ये सुहागन का प्रतीक है, चांदी का बना होता है ये। इसके बाद है, राज्य की महिलाओं का कौन सा आभूषण चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से संकरा और नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? हिरनामी, तोड़ा, दोनों या कोई सा भी नहीं? तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में आया है, तो इसका नाम तोड़ा है, तो ये क्या है, चांदी आभूषण चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से संकरा और नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा आभूषण पाँव में नहीं पहना जाता है?
बिछिया पाली आरसिया छैल गई। तो पाँव में नहीं पहना जाता है। अब पाँव में नहीं पहना जाता है कौन सा, जो ऑप्शन बी में आया है आरसी। अब फिर आरसी कहाँ पहना जाता है, तो ये हाथों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, टाड़िया, आरसी, कांगड़ी, कडुल्ला, अनंत, गजरा, पौची, टाड़, पछेली, हथफूल, लंगर, पाटला, नोगरी, पूंछ, गोखरू, फुंदा, चूड़, आंवला, दमन, मुद्रिका, बाजूबंद। तो ये सारे के सारे जो है भाजों में धारण करने वाले हैं। इसके बाद है, इस तरह के द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली आयना युक्त अंगूठी को क्या कहा जाता है, दस्तबंद, नजरिया, कड़ या फिर आरसी। तो इस तरह के द्वारा और दाहिने हाथ में अंगूठे में पहने जाने वाले, अंगूठा है यहाँ पर, अंगूठे में पहने जाने वाली आयना युक्त अंगूठी, इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको जो है आरसी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कडुल्ला भूषण महिलाएं किस अंग में पहनती है, अंगुली में, बाजू, गले या पैर में। कडुल्ला, तो कडुल्ला जो है ये बाजू में धारण किया जाता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा भूषण मोती से बना होता है जिसे महिलाओं के द्वारा चूड़ियों के बीच में पहना जाता है। तो मोती से बना होता है, महिलाओं के द्वारा चूड़ियों के बीच में पहना जाता है, गोखरू, पूंछ, नोगरी या कोई सा भी नहीं। तो ये ऑप्शन बी अर्थात नोगरी है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कौन सा भूषण दो अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाला अंगूठी नुमा आकृति का होता है। तो दो अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाला अंगूठी नुमा आकृति का होता है, तो इसे हम आंवला, सेवटा, चूड़, दमन या कोई सा भी नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ये दमन होता है। इसके बाद कौन सा भूषण स्त्री के द्वारा वक्ष स्थल पर पहना जाता है, चंदनहार, नेवरी, कंडूला या गोफला। तो वक्ष स्थल पर धारण किया जाता है, कौन सा है, तो ये चंदनहार है। और गले में धारण करने वाले आभूषणों की अगर हम बात करें, तो इसमें गलसरी, चंदनहार, गुलबंद, गोफिया, कंडी, काठला, मोहनमाला, झालरा, जंजीरा, जंजीर कह देते हैं जिसको, हंसली, हार, मुक्तमाला, पत्री, टुस्सी, आड़, मांडलिया, खुंखाली या हंसली कह देते हैं जिसको, तांती, चौकी, तुलसी, हमेल और रामनवमी या फिर नवा। तो ये सारे के सारे जो हैं गले में धारण किए जाते हैं। इसके बाद है, पुरुष में गले में कौन सा भूषण धारण करते हैं, जंजीर, तावीज, तोड़ा या गोफिया। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कौन सा है, गोफिया यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है, कौन सा भूषण विवाह के अवसर पर दुल्हन को ननिहाल पक्ष से पहना जाने वाला भूषण होता है, टुस्सी, माटलिया, आड़िया, तुलसी। तो आभूषण विवाह के अवसर पर दुल्हन को ननिहाल पक्ष से पहनाया जाने वाला है, तो ननिहाल पक्ष से जो है ये आड़ है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस आभूषण में देवताओं की आकृति अंकित होती है, तांती, हमेल, चौकी या किसी में भी नहीं। तो देवताओं की आकृति अंकित होती है, तो कौन सी है ये, तो जो ऑप्शन बी में दी गई है अर्थात जो चौकी है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, माथे के मध्य भाग में लटकते हुए पहने जाने वाला आभूषण, कर्णफूल, शीशफूल, बोरला या छाज, उसको क्या कहा जाता है। माथे के बीच में देखा होगा आपने लटकते हुए एक आभूषण रहता है, तो इसको जो क्या कहा गया है, तो इसको बोरला कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कान, नाक और सिर में पहने जाने वाले आभूषणों की अगर हम बात करें, तो इसमें कर्णफूल, फूल, श्रृंगार पट्टी, टिक्का, शीशफूल, केसपिन, झुमका, बोरला, पुरली, बेसर, मुरकी, छाज, कोका, बुदली, सिरमांग, मोड़, मेमत, गोफन, तागा, झुमकी, गुडड़ा, ओगन्या, मोरवर, कुड़क, भवरा, नकेसर, रखड़ी, कांटा, पीपल पत्थर और बुजट्टी। तो ये जो आभूषण है कान, नाक और सिर में पहने जाने वाले हैं। इसके बाद जाता है पुरली, ये किस अंग का भूषण है, कान, नाक, सिर या गले का, पुरली। और पुरली जो आभूषण है इसको कहाँ पर धारण किया जाता है, तो नाक में ये धारण किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा गले का एक आभूषण नहीं है, हंसला, मोहनमाला, हार या मुरकी। गले का नहीं है, तो कौन सा है, ये मुरकी।
क्योंकि कान में है तो गले का ये नहीं है। इसके बाद है भोजली आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान नाक गर्दन या हाथ में भोजली, तो इसको जो धारण किया जाता है ये कान में धारण किया जाता है। इसके बाद जाता है कौन सा भूषण स्त्री के द्वारा बालों में पहना जाता है, मेमद गोफन तागा या उगन्या, और इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी वाला, तो ये बालों में धारण किया जाता है गोफन इसको कह देते हैं। इसके अलावा कुछ कमर के आभूषण भी होते हैं जिन्हें तागड़ी कह देते हैं, नाड़ा सड़का और ये कंदोरा भी कह देते हैं चोत, तो ये सारे सारे कमर के आभूषण हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर ये हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद हमारे अन्य सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, डांसिंग इज हर हॉबी, अंडरलाइन व्हाट इज यूज, ये तो ये जो यहाँ पर डांसिंग जो आया है ये इनमें से क्या है, और इसमें जो हम देखें तो हमारा सी आंसर ऑप्शन टू वाला है। तो किसका उदाहरण है, आईएनजी जहाँ पर होता है तो जीरण होता है, तो नृत्य उसका शौक है, तो जीरण का उदाहरण है यहाँ पर ये। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द प्लेइंग, तो यहाँ पर क्या है मॉडल बताना है, सी डैश स्विंग फॉर हॉर्स एट द एज ऑफ 8, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर वह 8 साल की उम्र में घंटों तैरती थी, कैन माइट में या फिर कोड, तो इसमें क्या आ सकता है यहाँ पर, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो ये कैन का जो है यहाँ पर कोड इसमें बनेगा, सी कोड स्विम फॉर हर्स एट द एज ऑफ 8। इसके बाद है द गर्ल हु इज वियरिंग ए रेड रिबन इज माई सिस्टर, तो यहाँ पर भी जो ये अंडरलाइन है हु इज वियरिंग ए रेड रिबन इज माई सिस्टर, जो लड़की लाल रिबन पहने हुए है वह मेरी बहन है, तो यहाँ पर ये क्या नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब या इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन टू वाला, तो एडजेक्टिव क्लोज यहाँ पर माना गया है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण है यहाँ पर, ये विशेषता है लाल रंग का। इसके बाद है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म इंडेक्स स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड टू हर यू आर ए वेरी रीजनेबल पर्सन, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम बहुत समझदार व्यक्ति हो, तो इसका बनाना है वो, तो कौन सा यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा, तो जब हम इसको करेंगे तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, ही सेड टू हर यू आर ए वेरी रीजनेबल पर्सन, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है टू वाला इसका बन जाएगा, क्योंकि तो सेड टू को टोल्ड में हो जाएगा, ही टोल्ड हर, इस प्रकार से हो जाएगा ये, तो सेड टू को टोल्ड में हो जाएगा हर, और यू जाए यहाँ पर सी में चेंज हो जाएगा, हर है सी में चेंज हो जाएगा, सी और वाज ए वेरी रीजनेबल पर्सन। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेपोजिशन, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ही लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ हिज एडिक्शन ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग विद टू इन या ऑफ, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इसमें कौन सा इसका बनेगा, तो शराब पीने और जुए की लत के कारण उसने अपनी सारी जो संपत्ति थी वो खो दी, तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर, एडिक्शन टू ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग जो ऑप्शन 3 में है यहाँ पर। इसके बाद है बिजनेस फॉल्स ऑफ ड्यूरिंग समर मंथ्स, तो ये जो फॉल्स जो है इसका बताना है, अब क्या है यहाँ पर, टू डिलाइन ग्रो डिसअपियर या इंक्रीज, गर्मी के महीनों में व्यापार में गिरावट आती है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा, टू डिलाइन या इसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, ये कह देते हैं जो आय स्वीकार करना जो होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑप्शन, आई पेड द बिल बट द कैशियर डिड नॉट गिव द रिसिप्ट, रिसीविंग रिसीव या रिसीव्ड, तो जैसे आप कहीं पर बिल भरने जाते हैं, इस्तेमाल लेने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो दुकानदार एक रसीद जो देता है, तो वही है ये, क्या कहा जाएगा इसको, तो उसको कहा जाएगा रिसीप्ट मतलब रसीद। इसके बाद है सी कुड नॉट फिगर आउट द थीम ऑफ द प्ले क्लियर अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन्स,
तो ये जो फिगर आउट, इसका मतलब क्या होता है? कंप्रिहेंड, एग्जाम, ड्रॉ या इंजॉय, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है, ये कंप्रिहेंड जो है इससे लिया गया है, और ये किसको कहा जाता है, ये कह देते हैं समझने को। तो प्ले क्लियरली मतलब वह नाटक का जो विषय था उसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकी थी, तो ये है यहाँ पर समझना। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आस एन आई ऑन एमजी रोड व्हेन ही सा एन ओल्ड मैन वॉकिंग स्लोली। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं क्या आएगा, वर शॉपिंग, हैव बीन शॉपिंग, हैड बीन या शॉपिंग। आस एन आई ऑन एमजी रोड व्हेन ही सा एन ओल्ड मैन वॉकिंग स्लोली। तो आशा और मैं एमजी रोड पर थे जब हमने एक बूढ़े आदमी को धीरे धीरे चलते देखा था। तो कौन सा बन सकता है इसमें? तो इसमें बन सकता है वर शॉपिंग, जब हम आशा और मैं शॉपिंग कर रहे थे एमजी रोड पर, तब देखा था हमने एक बूढ़े आदमी को धीरे धीरे चलते हुए। तो वर शॉपिंग, खरीदारी कर रहे थे, ना तो कर ली थी, ना करेंगे, ना कर रहे हैं, तो कर रहे थे क्योंकि दो है ही। इसके बाद है चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द फॉर द सेंटेंस। मिसेस शर्मा नो मी, अब इसका बनाना है यहाँ पर करेक्ट पैसिव। अब इसका जब हम बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? श्रीमती शर्मा मुझे जानती है, तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बन सकता है इसमें? तो इसमें बन जाएगा ऑप्शन तीन वाला। तो आई नो टू मिस्टर मिसिज शर्मा, आई एम नो टू नोन टू मिसिज शर्मा, तो मैं श्रीमती शर्मा को जानता हूँ। इसकी बात जाता है यहाँ पर चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो इसे क्या कहा जाता है? ओमनीप्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो। तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, प्रेजेंट मतलब और ओमनीसन मतलब सर्वव्यापकता। तो जो सभी जगह है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको क्या कहा जाता है, और उसको कहा जाएगा ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी। इसके बाद है चूज दिस टेबल कनेक्टर फॉर द ब्लैंक फॉर द ऑप्शन। माई फादर ब्रंट हिज हैंड, ही वॉज लाइटिंग ए कैंडल। मेरे पिता ने अपना हाथ जला लिया जब वह आग जला रहे थे। तो कौन सा आ सकता है इसमें? बट, वाइल, सिंस या बिकॉज। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर माई फादर ब्रंट हिज हैंड वाइल ही वॉज लाइटिंग ए कैंडल, तो वाइल जो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद महाराणा प्रताप फाउट ब्रेवली एंड वॉन दी वॉर। तो ये जो ब्रेवली जो है इसका बताना है, नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो बहादुर कह देते हैं जिसको, महाराणा प्रताप बहुत बहादुर से लड़े थे और युद्ध जीत गए। तो ये जो यहाँ पर आया है ब्रेवली, इसका मतलब क्या है? तो ये एक एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता। नेक्स्ट है ए एग्रीमेंट इज नाउन विद द मेंट एज सफिक्स, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन विल बिकम ए नाउन इफ यू ऐड द सफिक्स मेंट टू इट। तो यहाँ पर इसका बताना है क्या आएगा, और इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए वाला, मनोरंजन करना कह देते हैं जिसको। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो एक सही है वो बताना है, सही कौन से वाला है? और सही है सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई, समिति का देते हैं जिसको, कमेटी। इस प्रकार से होगा ये। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर रीजनिंग जो है इसके जो क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से संबंधित है। तो जैसे 6 का 252 यहाँ पर बना है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर 5 का बनाना है, तो इसका कौन से वाला बने? और यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर 6 को अगर हम 42 से गुणा करें तो 252 आ जाता है।
इसी प्रकार से अगर हम 5 को 42 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 210, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार अंगूर संबंधित है फल से, उसी प्रकार काली मिर्च दाल अनाज मसाले में किसके अंतर्गत आते हैं, जैसे अंगूर फलों में आता है, तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर काली मिर्च है ये मसालों में गिनी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, उस अक्षर का चयन करें जो दी गई श्रेणी में जो क्वेश्चन मार्क जो है इसको प्रतिस्थापित करेगा, इसकी जगह कौन सा आएगा, यहाँ पर कौन सा क्रम इसमें चला हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे सी है, सी से ई में, सी डी ई एफ जी एच, तो इसमें अगर हम देखें तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो वो जो अलग है वो बताना है, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद या झलरापाटन, कौन सा अलग है इसमें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है झलरापाटन, ये अलग है, क्योंकि सूरत, राजकोट और अहमदाबाद ये क्या है, गुजरात के शहर हैं, जबकि झलरापाटन ये राजस्थान में है, राजस्थान का शहर है ये। इसके बाद है, किसी कोड में यदि हम पी वाई टी एच वन को एल एम एफ आर डब्ल्यू एन के रूप में लिखते हैं, तो ये जो यहाँ पर दिया गया इसको हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये पी वाई टी एच वन है, इसमें अगर हम देखें तो इनके अल्फाबेट को अगर हम देखें तो जैसे पी जो है ये 16 नंबर पे आता है, इसी प्रकार से वाई जो है ये 25वें नंबर पे है, टी ये 20वें नंबर पर है, एच 8, ओ 15 और जो एन है ये 14वें नंबर पर है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर एल देखें तो एल जो है ये कौन सा नंबर है, एल 12वां नंबर है। इसी प्रकार से एम, एम का 13वां नंबर है, एफ ये 6ठे नंबर पर है, आर का 18 होता है, डब्ल्यू 23 और एन 14। तो इस प्रकार का कुछ क्रम देख सकते हैं आप यहाँ पर बना हुआ है इसमें, और इसी प्रकार का क्रम यहाँ पर इसमें बनेगा तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी, तो कौन सा क्रम यहाँ पर इसमें चला हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला हो सकता है इसका, 11, 28, 337 और 5125, तो कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है। और 11 जो जैसे 1 की पावर 3 और प्लस 1, इसी प्रकार से 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 1 हुआ है, और इसी प्रकार से 3 की है और प्लस में 1, इसी प्रकार से 1, 2, 3 और ये 4, 4 की पावर 3 और प्लस में 1, इसी प्रकार से यहाँ पर 5 में हो जाएगा, 5 की पावर 3 प्लस में 1, इस प्रकार से कुछ यहाँ पर क्रम चला हुआ है। तो इसको जो कई तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे एक तो ये है 1 की पावर 1 हो गया, 2 है जैसे 2 की पावर 2, 2 × 4, 2 × 8, इसी प्रकार से 3 × 3 = 27, 4 × 16 = 64 और ऐसे 5 × 5 = 25, 5 × 125, तो इस प्रकार भी हम इसे कर सकते हैं। तो क्योंकि हल ही करना है, किस तरीके से भी हो जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है कि कुछ जो पशु हैं वे हाथी हैं, कुछ हिस्सा, कुछ पशु हाथी हैं, कुछ हाथी चीते हैं, तो यहाँ पर इसका निष्कर्ष आप बताना है। कुछ पशु चीते हैं, कुछ पशु चीते हैं, कोई चीता पशु नहीं है, कोई चीता पशु नहीं है, तो कौन से वाला इसमें बन सकता है। अब इसमें जो है या तो निष्कर्ष 1 लागू होगा या 2,
क्योंकि यहाँ पर कुछ पशु चीते हैं और कोई चीता पशु नहीं है, तो इसी कारण से एक या दो लागू होगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनका क्रम बताना है, जैसे डिक्शनरी होती है तो इनका क्रम जब हम बनाएंगे तो जैसे अल्फाबेट होता है तो सबसे पहले कौन सा वाला बनेगा इसमें, तो जैसे आर आई यहाँ पर सभी में है, इससे फिर नेक्स्ट वाला देख लो कौन सा आता है, ए बी सी डी ई एफ इसमें जी भी आ गया है सभी में। अब उससे नेक्स्ट वाला देख लो, यहाँ पर एच है आई एच ओ एच, अब सबसे पहले क्या आता है एच आई एच आता है सबसे पहले, अब इसमें एच इसमें है इसमें भी है, फिर इससे नेक्स्ट वाला देख लो अब इसमें टी है इसमें टी है, अब उससे अगले वाला देख लो कौन सा आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है निम्न समीकरण को प्लस को माइनस सिक्स को सेवन से बदला जाए तो कौन सा समीकरण सही बनेगा, तो कौन से वाला यहाँ पर फिर इसमें सही बन सकता है। तो इसको जब हम बदल के देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आशा और लता की वर्तमान आयु में 5:6 का अनुपात है, तो यदि उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर हो तो 5 साल बाद लता की आयु होगी तो कितनी हो जाएगी, तो ये जो है निकल के आएगी 41 वर्ष। इसके बाद है यहाँ पर आकृति बतानी है, उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो कौन से वाला क्रम है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आयत है खाली डिब्बा जो है और आगे ये डॉट है सर्कल, नेक्स्ट वाली आकृति में देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक हो गया है और ये जमा वाला यहाँ पर आ गया है और जो सर्कल है वो वाइट हो गया है, जो ब्लैक था वो वाइट हो गया है, तो कौन से वाला क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो इस आकृति में 90 डिग्री जो है घूम जाती है, जो प्लस वाला है वो 90 डिग्री घूम जाता है एंटी क्लॉक में, और जो ये आयत है ये सर्कल में और सर्कल आयत में मतलब वर्ग जो है इसमें बदल जाता है, तो इस आधार पर जो है इसमें ऑप्शन बी वाला बनेगा। इसके बाद है अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है, सोनिया सतीश के पिता की पुत्री है, निकिता कविंदर की पुत्री है, ज्योति अमित की माता है, मुकेश निकिता की एकमात्र बहन का पति है, तो सतीश कविंदर से किस प्रकार संबंध रखता है, तो इनका संबंध बताना है, तो इनका जो संबंध है ये पोते का है। इसके बाद आ जाता है एक ही पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 6 से विपरीत फलक पर होगी, तो इससे विपरीत जो यहाँ पर बतानी है, और इनका अगर हम क्रम देखें तो कौन से वाला बनेगा। तो क्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे ये 5-3-1 है, 5-3-1, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं 5-6-3, तो कौन से वाला क्रम बनेगा इसमें, तो 6 के विपरीत जो है यहाँ पर क्या बनेगा 3, तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद है कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हैं, दाईं ओर से 21वीं पुस्तक और बाईं ओर से 28वीं पुस्तक के बीच 5 पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों की कुल संख्या 42 है, कुल संख्या आपने बतानी है, तो यहाँ पर जैसे पुस्तकें हैं इस प्रकार से लगी हुई है, ये दायां होता है ये बायां होता है, तो पंक्ति में लगी हुई है दाईं ओर से 21वीं मतलब ये साइड है, यहाँ से 21वीं पुस्तक और बाईं ओर से 28वीं पुस्तक के बीच 5 पुस्तकें, यहाँ पर कितनी है ये 5 हैं, पुस्तकों की कुल संख्या है टोटल कितनी है 42, पुस्तकों की कुल संख्या 42 से अधिक है मतलब 42 से अधिक है, तो पुस्तकों की कुल संख्या आपने बतानी है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला बनेगा, तो इनकी जो संख्या कितनी है ये 54 है, तो इसमें क्या करेंगे हम ये 21 और 28 और 5 तो इनको जोड़ लेंगे, तो 8, 5, 3, 4, 2, 2, 4, 1, 5, तो 54 जो है यहाँ पर ये आ जाएगी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक यांत्रिक दीवार घड़ी एक समय 7:40:06 दिखा रही है, मान लीजिए कि यह हर एक घंटे में 4 सेकंड खो देती है, तो ठीक 6:30 घंटे बाद यह घड़ी क्या समय दिखाएगी,
तो कितना समय यहाँ पर दिखाएगी? समय की बात करें तो यहाँ पर ये दिखाएगी 14 घंटे 9 मिनट और 40 सेकेंड। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।